हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इन सर्दियों में मैंने बनाई भथुआ की पूड़ी, तो देखिए आप लोग कितनी ही टेस्टी लगती हैं और बहुत ही अच्छी रहती है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो आप भी बनाइए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ये हैं भथुआ की पूड़ियाँ, मैंने कैसे बनाई हूँ, क्या क्या मिलाया है, बहुत ही अच्छी लगती हैं नाश्ते के लिए। तो ये लिया है मैंने भथुआ, इसको मैं तोड़ लेती हूँ पत्ती पत्ती। तोड़ने के बाद फिर मैं पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको पत्ती पत्ती तोड़ लूँगी। तो मैंने तोड़ ली है, आप देख सकते हैं डलिया में रखी हुई थी, तो मैंने पत्ती पत्ती इनको तोड़ लिया है। और अब मैं जा रही हूँ पीसने के लिए। मैं मिक्सी में इनको पीस लूँगी पत्तियों को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई है मेरी रेसिपी तो आप लोग लाइक करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये मेरी पूड़ी अथुए वाली। तो ये मैंने पत्ती पत्ती तोड़ के रख ली हैं। और ये लिया है दो हरी मिर्च, ये लहसुन की 3-4 कलियाँ, जीरा और ये धनिया की पत्ती। इन सभी को डाल के मैं एक साथ पीस लूँगी। जब मिक्स इनको भथुआ की पत्तियों को पीसूँगी तभी इसको भी डाल लूँगी और पीस लूँगी। तो अब मैं पीस लेती हूँ, पेस्ट बना लूँगी इनका। इसी में धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा सभी को डाल दूंगी। नमक बाद में डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये पत्तियाँ अच्छे से पीस जाए और पेस्ट ऐसा बन जाए गाढ़ा गाढ़ा। तो मैंने पीस लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हरा कलर है, इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा देखने में। ये बस मैं आटा छान लेती हूँ और इसी से आटा गूंद लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी गर्म गर्म भथुए की पूड़ियाँ। तो अब मैं मिला के, जो मैंने पीसा हुआ था पेस्ट, इसको मिला के थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसके बाद मैं अब आटे को गूंद लेती हूँ अच्छे से। तो आटा मेरा गूंद गया है, इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है ताकि सॉफ्ट पूड़ियाँ बने। तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। और अब मैंने रख दी कढ़ाही, तो अब मैं उसमें निकाल रही हूँ ये पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी भथुए की पूड़ियाँ रेडी हो गई हैं। देखिए आप लोग भी बनाइए, सर्दियों में बहुत ही भथुआ आता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, गर्म करता है। तो सर्दियों में गर्मा गर्म भथुए की पूड़ियाँ आप बनाइए और फिर बताइए कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि मैंने रात में बनाई थी तो इसलिए लाइट नहीं थी। तो ये रेडी हो गई हैं खाने के लिए। तो आइए आप लोग भी खाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल।